हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीटीएस कैड एक्सपर्ट। सो गाइज, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम देखेंगे कि कैसे रेविट के अंदर एनस्केप की हेल्प से मेगा प्रोजेक्ट्स की 4K रेंडरिंग आप बना सकते हैं। तो पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊं, उससे पहले आप ये रिजल्ट देखिए। दोस्तों, अगर हम आपकी नॉलेज इंप्रूव कर पा रहे हैं तो आप हमें सपोर्ट जरूर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए। और इस वीडियो में कौन सा पार्ट आपको सबसे बेहतरीन लगा और कौन से पार्ट में हम और इंप्रूव कर सकते थे, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो आगे भी आपको मिलते रहें। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि कैसे रेविट आर्किटेक्चर के अंदर एनस्केप की हेल्प से हम ये रिजल्ट्स बना सकते हैं। सो एक कंप्लीट हमारा 3D व्यू है, यहां पे मैं आपको हिडन में शो करके दिखाता हूं। सो एज यू कैन सी, ये कंप्लीट हमारा 3D व्यू है। सो कुछ चीजें हैं इसके अंदर, सबसे पहले ये लेआउट आप कैसे बना सकते हैं रेविट आर्किटेक्चर के अंदर। तो इसके लिए मैंने जो तरीका इस्तेमाल किया है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये अलग अलग डिज़ाइन बनाने के लिए, अगर आप सेपरेट बनाएंगे इतना बड़ा इफेक्ट जनरेट करने के लिए, तो बहुत ज़्यादा समय आपको लग जाएगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप वेबसाइट से डायरेक्ट इन मॉडल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने इसके लिए जो वेबसाइट इस्तेमाल की है वो है GrabCAD। तो जैसा आप GrabCAD पे जाएंगे, GrabCAD पे जाने के बाद आपको यहाँ से लॉग इन कर लेना है, और लॉगिन करने के बाद आप डायरेक्टली यहां से फिल्टर कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, यहां से आपको ऑल टाइम करना है, यहां से आप आर्किटेक्चर कर सकते हैं, और यहां से आपको रेविट चूज करना है, ऑटोडेस्क रेविट। उसके बाद आप यहां पे देखेंगे तो आपको काफ़ी मॉडल मिल जाएंगे, काफ़ी डिज़ाइन आपको मिल जाएंगे। जैसे यहां पे ये मॉडल हमने इस्तेमाल किया है, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट इसमें लॉगिन करके। उसके अलावा आप यहां पे और मॉडल्स देखेंगे, ये मॉडल हमने इस्तेमाल किया है, ये मॉडल हमने यूज़ किया है, तो ये मॉडल्स आप डायरेक्ट यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और फाइल्स देखेंगे इस तरह से, तो कितने भी नंबर ऑफ मॉडल्स यहां से डायरेक्ट बने हुए एक्सटीरियर डिजाइंस आप इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद इस सॉफ्टवेयर में कैसे हमने ओपन किया, उसके लिए आपको इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद रेविट लिंक करके आपको ऑप्शन मिलेगा, और रेविट लिंक पे आपको क्लिक करना है। अब मैं आपको डायरेक्ट दिखा देता हूं। जैसे मान लीजिए यहां से हमारे पास है डाउनलोड्स, और डाउनलोड्स में जाने के बाद यहां से हमारे पास है रेविट मॉडल्स। तो आप देख सकते हैं यहां पे हमने अलग अलग डाउनलोड किया था, उसके बाद इन्हें एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो आप देख सकते हैं ये अलग अलग डिजाइन हैं सभी। तो एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, यहां पर कोई भी एक डिफरेंट मॉडल का एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, डाउनलोड करके दिखा देता हूं। जैसे मान लीजिए हमने यहां पर ये वाला मॉडल यहां से हम फाइनल कर लेते हैं, या फिर ये वाला मॉडल ले लेते हैं। तो इस मॉडल को हम उसी फाइल में ओपन करना चाहते हैं, तो यहां से आप डायरेक्ट इसे डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड फाइल एंड यहां से स्टार्ट डाउनलोड। तो आप देख सकते हैं ये डाउनलोड हो चुका है, किस नाम से, 3D बिल्डिंग एलिवेशन के नाम से है। ओपन फोल्डर में जाते हैं, इसको यहाँ से कट कर लेते हैं। तो या तो इसको हम एक डिफरेंट फोल्डर में रख सकते हैं, ये मान लीजिए हमने यहाँ से ओपन किया फोल्डर, और यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ से इसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फाइल हमारे पास आ गई है। तो इस फाइल को डायरेक्ट भी आप ड्रैग कर सकते हैं, मान लीजिए हमने डायरेक्ट ड्रैग किया और ये हमने इंसर्ट कर दिया, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है लिंक रेविट के थ्रू। जैसे मान लीजिए इसको हम कैंसिल करते हैं, ओके, हमें डायरेक्ट लेके आना है लिंक रेविट के थ्रू। तो सबसे पहले आप साइट व्यू को ओपन करिए, जिस तरीके से हमने किया मैं वही तरीका आपको बता रहा हूँ। लिंक रेविट पर जाइए, और जो डायरेक्टरी है उस डायरेक्टरी को आप ओपन करिए। यहाँ से हमारे पास डायरेक्टरी है दिस मॉडल, एंड देन ओके।
तो उसको हम ओपन करेंगे। सो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मॉडल हमारा आ गया है। इस मॉडल के ओपन होने के बाद जहाँ पे आप इसे प्लेस करना चाहें वहाँ पे आप इसे प्लेस कर सकते हैं, और इनमें से अगर अननेसेसरी चीज़ आप रिमूव करना चाहें लाइक टॉपो सरफेस या जो भी एडिशनल डिज़ाइन है उसको अगर आपको हटाना है तो आप हटा सकते हैं। और अगर मॉडल को आप रोटेट करना चाहें, जैसे फेस आप किस फेस में रखना चाहते हैं, किस डायरेक्शन में रखना चाहते हैं, तो वो डायरेक्शन भी आप चेंज कर सकते हैं। अब मान लीजिए इतना करने के बाद हमने यहाँ से इसे किया कंसिस्ट कलर, मॉडल को सेलेक्ट किया, आपको जाना है बाइंड लिंक पे और यहाँ से आपको इसे एक्सट्रैक्ट कर देना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद अब जो चीज़ हमें नहीं चाहिए लाइक ये वाला जो डिज़ाइन है रोड का, ये डिज़ाइन हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, तो यहाँ से हम इसे रिमूव कर देते हैं। अब यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं, अनग्रुप कर देते हैं इसको, एंड नाउ सेलेक्ट दिस पोर्शन, डिलीट इट, एंड एज यू कैन सी इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। इतना करने के बाद इसे दोबारा सेलेक्ट करिए और यहाँ से आप इसे ग्रुप कर सकते हैं। तो हम कर देते हैं इसे क्रिएट ग्रुप अगेन, ओके, और यहाँ से जहाँ पे भी इसे प्लेस करना है वहाँ पे हम इसे प्लेस कर सकते हैं। मान लीजिए हमें यहाँ पे प्लेस करना है, ये देखिए, तो जहाँ पे भी आप रखना चाहें वहाँ पे इजीली आप इसे प्लेस कर सकते हैं। प्लेस होने के बाद यहाँ से इसे अनज्वाइन कर दीजिए, ये देखिए। तो कोई भी मान लीजिए इसके साथ में कोई भी अननेसेसरी अगर कोई कॉम्पोनेंट है जो इसके साथ जुड़ा हुआ है तो अनज्वाइन करने से वो ब्रेक हो जाएगा वहाँ पर। उसके बाद ये जो पोर्शन हमने डिज़ाइन किया, जैसे ये एक मॉडल हमारा यहाँ पे आ गया, इसी तरह से हमने बाकी सभी मॉडल्स को प्लेस किया है अनग्रुप करके। उसके बाद यहाँ से हमने टॉपो सरफेस लगाया, एक कॉमन टॉपो सरफेस, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। हाइट को कम या ज़्यादा करना है लाइक मान लीजिए हम 2 फीट ऊपर करना चाहते हैं इस पॉइंट से, तो जहाँ पे भी आपको करना है चेंज वहाँ पे आप इजीली चेंज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं पॉइंट यहाँ पे आ गया है, और यहाँ पे हाइट पे आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट हाइट पे यहाँ पे लेयर्स ऑन हैं, तो ये कितने कितने इंचज या कितने कितने फिट पे विजिबल हो ये चीज़ भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपको साइट पे जाना है, मॉडल साइट पे जाना है, और यहाँ से आपको इंटरवल डिफाइन करना है। अभी 16 फिट के ऊपर आपको एक लेयर यहाँ पे विजिबल हो रही है कंटूर्स की, तो यहाँ पे हम 5 फिट कर देते हैं और एंटर कर देते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ लेयर्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगी, और अगर हम इसे 1 फिट कर देते हैं तो आप ये काफ़ी ज़्यादा देखेंगे, ये देखिए। तो काफ़ी स्मूथनेस जो है आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा टॉप से देख के कौन सा एरिया हाइट में है और कौन सा एरिया डेप्थ में है। इतना कंप्लीट करने के बाद हमने यहाँ से इसको यूज़ किया है हमने स्प्लिट सरफेस। तो स्प्लिट सरफेस करके हमने ये रोड का डिज़ाइन किया है इसके अंदर। तो मैं एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पे डिज़ाइन करके दिखा देता हूँ लाइक हमने स्प्लिट सरफेस किया, और जो भी आप डिज़ाइन बनाना चाहते हैं लाइक ये मैंने इतना इतना पोर्शन यहाँ से स्प्लिट कर दिया और ओके किया, तो आप देखेंगे इसके ऊपर आप डिफरेंट मटेरियल अप्लाई कर सकते हो। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे रोड साइड पे भी डिफरेंट मटेरियल अप्लाई किया और यहाँ पे भी डिफरेंट मटेरियल अप्लाई किया है इस तरीके से। तो ये हमारा प्रोसीजर था इस पूरी साइट को डिजाइन करने में। उसके बाद हमने कैमरा प्लेस किया है, तो मैं कैमरा व्यू आपको दिखा देता हूँ, कैमरा 8। तो ये हमारा कैमरा व्यू है। तो हमारी जो साइट है वो कुछ इस तरीके से अपियर होगी कंप्लीट होने के बाद। और फिर उसके बाद सेम कैमरा लाइक ये कैमरा 3D कैमरा है 8, ये करने के बाद ये सारे ऑप्शंस हम रेविट की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें हम ये सारे ऑप्शंस आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं। और अगर आप प्रोफेशनल कोर्सेज करना चाहते हैं, आप हमसे एनस्केप सीखना चाहते हैं या रेविट आर्किटेक्चर सीखना चाहते हैं, इसी तरह के दूसरे कैड सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे नंबर पे कॉल करके आप कोर्स के बारे में क्वेरी कर सकते हैं। अभी यहां से आपको क्या करना है, आपको जाना है एनस्केप पे, और एनस्केप पे जाने के बाद यहां पे आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे यहां पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जो इंटरनेट कनेक्शन है वो आप यहां से अपना ऑफ कर देंगे, बिकॉज यहां पे अगर आप इंटरनेट कनेक्शन ऑन रखेंगे तो एनस्केप के अंदर जो वाटरमार्क है वो आपको अपियर होगा। तो यहां से हमने इंटरनेट कनेक्शन को बंद कर दिया है, ये हमारे पास जो साइट है ये ओपन हो गई है इस तरीके से। अब ये हमारी साइट है। अब देखिए यहाँ पे मैंने पहले भी बताया है जो बेसिक बटन्स हैं मूव करने के, ये पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के वीडियो में बेसिकली इसका वीडियो कैसे बनाना है, 4K HD वीडियो कैसे बनाना है, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पिछले वीडियो में मैंने कहा था आपको कि अगले वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप वीडियो बना सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है वीडियो एडिटर, इसके लिए आपको K प्रेस करना है। तो जैसे ही आप K प्रेस करेंगे यहाँ पे,
तो आप देखेंगे ये इंटरफेस आपका चेंज हो जाएगा। अब ये हमारी पहले की रिकॉर्डिंग है, जो हमने जो वीडियो मैंने आपको दिखाया है वो इस तरह से हमने रिकॉर्ड किया हुआ है। तो अभी मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। अगर आप कंट्रोल के साथ एरो बटन प्रेस करेंगे फ्रंट की तरफ, तो आप देखेंगे काफ़ी फास्ट ये मूव करेगा। यहाँ पे पूरी साइट है हमारी और ये आप देख सकते हैं, जहाँ से भी आपको रिकॉर्डिंग करनी है, मान लीजिए यहाँ से हमें रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है, तो पहला पॉइंट आप यहाँ पे अपना ऐड कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमने ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आप जैसे डाउन की तरफ आपको मूव करना है, तो आप W प्रेस करेंगे और फ्रंट में जाना है, सॉरी Q प्रेस करेंगे और फ्रंट में जाना है तो W प्रेस करेंगे। उसके साथ में आपकी जो लेफ्ट क्लिक है उससे आप टर्न अराउंड कर सकते हैं बोथ साइड, राइट एंड लेफ्ट। तो जिधर भी आपको देखना है, अप साइड देखना है तो ऊपर की तरफ, डाउन साइड देखना है तो नीचे की तरफ, ये देखिए राइट देखना है राइट की तरफ मूव करते हुए, लेफ्ट देखना है लेफ्ट की तरफ, तो जो भी साइड आपको रखनी है वो साइड माउस से आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। सेम टाइम आपको W प्रेस किए हुए रखना है। उसके बाद ये जो वहां से यहाँ तक आपने पूरी जर्नी की है उसको आप एक फ्रेम में ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ से मान लीजिए हम टर्न अराउंड करते हैं, माउस से हमने टर्न किया यहाँ पे, थोड़ा हम इस साइड के नज़दीक जाते हैं। नज़दीक जाने के लिए हमने यहाँ से कंट्रोल के साथ एरो बटन प्रेस किया, तो हम बिल्कुल बिल्डिंग के नज़दीक आ गए, बिल्कुल ये व्यू हमारा आ गया। अब यहाँ पे एक और फ्रेम ऐड कर देते हैं। अब यहाँ से हमें सीधा ऊपर पूरा कैप्चर करना है हाइट को, तो यहाँ से हम प्रेस करेंगे क्यू, तो क्यू में तो ये डाउन जा रहा है, तो यहाँ से हम प्रेस करेंगे ई, तो जैसे आप ई प्रेस करेंगे ये जाएगा अपसाइड में, ये देखिए इस तरह से, तो ये बिल्डिंग को इस तरह से पूरा कैप्चर कर लेगा। मान लीजिए ये हमने किया, इसको आप ऐड कर दीजिए तो ये एक फ्रेम हो गया। और वापस से अब यहाँ से हम टर्न कर लेते हैं कैमरा को, ये हमने टर्न किया इस साइड, और फिर यहाँ से हम वापस से नीचे आ जाते हैं क्यू के साथ, ये देखिए, तो ये हमारा व्यू आ गया इस तरह से। अब यहाँ से हमने इस व्यू में इसको ऐड किया एक और फ्रेम को। उसके बाद फिर हम टर्न करते हैं माउस के साथ और यहाँ से हम बढ़ते हैं आगे, तो एक व्यू हमने यहाँ पे ऐड किया। अब यहाँ से हम प्रेस करते हैं W और W के साथ हम ये रिकॉर्डिंग आगे बढ़ाते हैं, तो माउस के साथ डायरेक्शन चेंज करते रहेंगे। और अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट के बिल्कुल नियरेस्ट से बिल्कुल पास से रिकॉर्ड करना है तो इस तरह से हम रिकॉर्ड कर सकते हैं ताकि थोड़ा ओरिजिनल लुक आए। और ये देखिए इस तरह से आप रख सकते हैं। अब इसी के साथ में मान लीजिए यहाँ पे हमने एक फ्रेम ऐड कर दिया, हमें वेदर कंडीशन को चेंज करना है, तो आप यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करिए और राइट क्लिक को दबाइए और माउस को चेंज करिए, तो आप देखेंगे जो आपकी वेदर कंडीशन है वो आपकी वेदर कंडीशन यहाँ से चेंज होगी। तो जैसी भी वेदर कंडीशन आपको रखनी है इससे आगे, तो वो वेदर कंडीशन आप यहाँ से रख सकते हैं। मान लीजिए ये टाइम हमें रखना है, क्या टाइम है यहाँ पे आप देख सकते हैं 12:59 है, लगभग ये 1 बजे का टाइम है, 1 o'clock है। अब यहाँ से W प्रेस करिए अगेन, तो इस तरह से ये आगे का एरिया जो है ये आपका रिकॉर्ड होता रहेगा। अब गाइज यहाँ पे एक कंसर्न आपको कॉन्फ़िगरेशन का आ सकता है कि कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, तो इसका वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। लास्ट वीडियो हमने इसी के ऊपर बनाया था कि कौन सी बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन रहेगी एनस्केप के ऊपर, तो उसमें बेस्ट लैपटॉप कौन से हैं, PC आप कौन सा असेंबल करा सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमने उसके अंदर कवर किया था, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। अभी ये कंप्लीट करने के बाद, अभी ये पूरा प्रोसेस हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, ये व्यू हमें यहाँ पे रखना है। अब इसका वीडियो कैसे बनाएं, रिकॉर्ड तो हमने कर लिया है, प्रीव्यू आप देखना चाहें तो प्रीव्यू भी देख सकते हैं, तो प्रीव्यू पे क्लिक करिए, तो शुरुआत से आपने जैसे जैसे जो जो स्टेप लिया था वो सारे स्टेप यहाँ पे प्रीव्यू एज अ प्रीव्यू विजिबल हो जाएंगे। बट हम इसे अब वीडियो में रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो इसे आप मिनिमाइज करिए। अब आपको सॉफ्टवेयर पे जाना है रेविट के ऊपर, तो यहाँ से हम सॉफ्टवेयर पे गए। सॉफ्टवेयर पे आने के बाद एनस्केप के अंदर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है रेंडर वीडियो, तो इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है रेंडर वीडियो, और उसके बाद किस फॉर्मेट में आप रखना चाहते हैं, किस डायरेक्टरी पे आप रखना चाहते हैं, मान लीजिए हमने इसे देना है नेम 4K, ये हम रखना चाहते हैं, और कहाँ रखना है डेस्कटॉप के ऊपर रखना है, और इसे सेव कर देंगे। तो सेव करने के बाद अब यहाँ से ये आप देखेंगे इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो ऑटोमेटिकली यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है, ये देखिए अभी हमारा वीडियो जो है वो रेंडर हो रहा है और एक एक फ्रेम यहाँ पे रेंडर होगी और ये पूरा सीन जो है हमारा ये एज अ वीडियो डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगा। तो अभी मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे हमने इसे कैंसिल किया। कैंसिल क्यों किया, क्योंकि जो रेजोल्यूशन है, जो वीडियो का रेजोल्यूशन है वो आपको कैसा रखना है वो आप यहाँ से डिसाइड करेंगे विजुअल सेटिंग के अंदर। विजुअल सेटिंग में जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास कैप्चर, कैप्चर के अंदर यहाँ पे रेजोल्यूशन है। अब रेजोल्यूशन के अंदर आपको अल्ट्रा HD रखना है, फुल HD रखना है, HD रखना है, या कौन सा साइज आपको रखना है, तो हमने अभी फुल HD रखा हुआ है, आप इसे
अल्ट्रा HD भी कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि आपको 4K लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं, तो हमने अल्ट्रा HD के बजाय यहाँ पे भी फुल HD ले लेते हैं, जो कि हमने ये पूरा मैंने आपको जो दिखाया वो भी हमारा फुल HD में ही था। तो यहाँ से सेटिंग डिफाइन करने के बाद विजुअल सेटिंग में, उसके बाद आप यहाँ से जाएंगे दिस ऑप्शन, ऑन दिस ऑप्शन रेंडर वीडियो, और जैसे अभी रेंडर वीडियो हुआ वहाँ पे कंप्लीट, जैसे यहाँ पे हमने स्टार्ट किया और उसके बाद यहाँ से रेंडर वीडियो अब जो हमने रिकॉर्ड किया, तो वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो वीडियो है वो वीडियो जैसे मैंने आपको शुरुआत में दिखाया, तो वो कुछ इस तरह की वीडियो बन के आपकी तैयार हो जाएगी। ये देखिए कंप्लीट, तो एक कंप्लीट वीडियो है, जैसा जैसा हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किया वैसा वैसा पूरा प्रोसेस यहाँ पे रिकॉर्ड होके कुछ इस तरह का जो इफेक्ट है वो इफेक्ट आप ले सकते हैं। तो गाइज ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें जरूर कमेंट करके बताएं, और किस तरह के वीडियोज आप आगे चाहते हैं एनस्केप में, किस तरह के वीडियोज हम बनाएं ये भी आप हमें जरूर सजेस्ट करें। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको कंसिडर करें, एड्रेस करें और बेहतर वीडियोज फ्यूचर में ला सकें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।